हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सैफुद्दीन सोज साहब हैं और उनकी किताब कश्मीर ग्लिम्पसेस ऑफ हिस्ट्री एंड द स्टोरी ऑफ स्ट्रगल, ये देखिए किताब का विमोचन होने जा रहा है। उससे पहले उन्होंने जो बयान दिए हैं उससे वो विवादों के घेरे में है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि सोज साहब जो कह रहे हैं वही आतंकी कह रहे हैं, किस तरह से रिएक्ट करेंगे बीजेपी बार बार इसको भुनाने की कोशिश? नहीं, अब आतंकी जो कहते होंगे वो भारत सरकार भी और नेशनल अपोजिशन बेहतर जानती है, मुझे उस पर कहना कुछ नहीं कहना चाहिए। मुझे ये कहना है वो अलग कहते हैं, मेरी जो बात है वो अलग है। भले ही कोई इल्ज़ाम लगाए वो अलग बात है, किताब पर थोड़ी पड़ी है। तो मुशर्रफ साहब के को लेके आपने ये टिप्पणी की थी कि पाकिस्तान चाहता था कि जो पूरा कश्मीर ले ले, और पर ये संभव नहीं है क्योंकि कश्मीर वाले इंडिपेंडेंस चाहते हैं। देखिए, मुशर्रफ ने जो बात करगिल वार के बाद, उसका ज़मीर भी जाग गया था और सिपाही ने जगह दे दी थी सियासत को, तो मुशर्रफ बहुत ज़बरदस्त जद्दोजहद के रास्ते पर था और वह बात कहना चाहता था। उसको नज़र आया कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, जंग नहीं हो सकती है क्योंकि न्यूक्लियर सिचुएशन गर्म हो रही थी, और उसको नज़र था कि मैंने तो सब कुछ कर दिया और नाकामी होगी हिंदुस्तान को। हम क्योंकि उसने फौजियों को समझाया कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, उनके पास दुनिया का बहुत बड़ा आर्मर है, पाकिस्तान नहीं कर सकता। इसलिए अपने जनरल्स को बुलाया, सारे जनरल्स को, इन्हें मेरी इन्फॉर्मेशन यह है कि सारे लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल जमा हो गए और उनसे लंबी बहस हो गई। बल्कि दो तीन जनरल्स ने उसको कहा दो तीन दिन का मिले, उसने कहा ले लो चार दिन और फिर अब मिलेंगे। उनको समझाया जनरल्स को कि देखो हिंदुस्तान के साथ जंग हो नहीं सकती और हम दुनिया के करीब तरीन हमसाया हैं आपस में, इसलिए मेरी नज़र में हिंदुस्तान के साथ दोस्ती का दरवाज़ा खोलना चाहिए। और मेरे पास कुछ विचार हैं जो बाद में फार्मूला बन गए मुशर्रफ साहब के। उसने जनरल्स को समझाया, वो चार बातें नहीं हैं बल्कि 20 बातें हैं भाई, वो एक नॉन पेपर बन गया जो हिंदुस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है या PMO है, दोनों जगह है, वो पाकिस्तान में भी मौजूद है वो नॉन पेपर, उस पर गौर हो रहा था। इसका ताना बाना चंद्रशेखर ने भी नमाज से बुना था जो मुझे मालूम है, तो इसका ताना बाना अच्छी तरह से कारगिल की मुलाकात में वाजपेयी जी के साथ बुना गया, और वाजपेयी जी को कोई दिक्कत नहीं थी, उनको नज़र आता था मुशर्रफ ठीक बात कर रहे हैं, ये रास्ता है, क्योंकि वाजपेयी जी ने खुद लाहौर डिक्लेरेशन को साइन किया था नवाज शरीफ के साथ। उसी के साए में तो ये सारी उम्मीद की किरण जाग गई थी, और इसलिए ताना बाना था कि आज़ाद कश्मीर, जिसको पाकिस्तान कहता है आज़ाद कश्मीर, जो भारत कहता है कि उसका अभिन्न हिस्सा है, वो पाकिस्तान के साथ जाना। हाँ बिल्कुल, सुनिए, वो ये था कि हम ऐसा करें कि बॉर्डर नहीं बदलेंगे, क्योंकि बॉर्डर बदलने से जंग फिर होगी, जंग पॉसिबल नहीं थी उस वक्त भी, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान न्यूक्लियर रास्ते पर काफ़ी आगे बढ़ गया था जो मुझे मालूम नहीं है, हिंदुस्तान भी उसी रास्ते पर था। तो दो न्यूक्लियर पावर्स, ये जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है ये सिस्टम में बाद को आ गई, लेकिन न्यूक्लियर तो थे ही, तो इसलिए मुशर्रफ ने कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ लड़ नहीं सकते हैं, और आप लोगों को बड़ी गलतफहमी है कि कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहता, ऐसा नहीं है। तो उसने उनको बताया अगर कश्मीरी को चॉइस दे दोगे तो वो कहेंगे आज़ादी, लेकिन आज़ादी मुमकिन नहीं है, तो आज़ादी की बात छोड़ दीजिए, रास्ता यही है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में दोस्त हो जाएं, क्योंकि हम बहुत ही करीब हमसाया हैं, और बताया होगा कि हम न्यूक्लियर रास्ते पर आ रहे हैं मजबूती से, हिंदुस्तान हमसे कमज़ोर थोड़ा है, हमसे ताकतवर है, इसलिए पायदार दोस्ती होनी चाहिए। उसका उसके फार्मूला भी ये है कि बॉर्डर रहेंगे, आइडेंटिटी हिंदुस्तान की सरदारी कायम रहेगी, हमारी सरदारी भी कायम रहेगी, जिसके मुताबिक दो रीजन वहाँ हैं, तीन रीजन भारत के पास है, हम जंग नहीं करेंगे, बॉर्डर को नहीं बदलेंगे, ये जो है आर्मी का विड्रावल दोनों मुल्क करेंगे,
कश्मीरी को राहत होगी क्योंकि वो इस वजह से मुसीबत में हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में दुश्मन हैं। जब हम दोस्त हो जाएंगे तो कश्मीर को राहत हो जाएगी, उनको और क्या चाहिए। हाँ, दोनों तरफ अंदर से कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ दाखिली खुद मुख्तारी का सोच हो सकता है। क्या ये वर्कएबल फॉर्मूला है? क्या आपको लगता है कि जो उन्होंने सुझाया था, आपकी राय में क्या आपको लगता है कि ये वर्कएबल फॉर्मूला है? मेरी राय में इसमें जंगोजदल नहीं है, इसमें आइडिया की जीत है, दोस्ती की जीत है, मजबूत दोस्ती की जीत है। और मेरे ख्याल में एक बात है, यही रास्ता है, क्योंकि हम पाकिस्तान से जंग नहीं कर सकते, पाकिस्तान हमारे साथ जंग नहीं कर सकते। ये कन्वेंशनल वार भी इम्पॉसिबल हो गई है, न्यूक्लियर वार तो तबाही का रास्ता है। अगर मुशर्रफ साहब सुझा रहे थे कि दो हिस्से जो उनकी तरफ है, जिसको वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वो उनके पास रहे और तीन हमारे। बिल्कुल, वही वर्कएबल है, और क्या वर्कएबल है। अगर हम कहेंगे कि नहीं, हम वो हिस्सा हमारा है, जैसा कुछ जमातें कहती हैं, और 19 पर नज़र रखे, भाजपा तो ज़रूर कहेगी आज के दिन, उनको कोई गरज नहीं है कि आज के दिन सुलह की बात करें, आज के दिन डायलॉग की बात करेंगे। उन्होंने जम्मू से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हुए सेक्टेरियन डायलॉग के लिए महबूबा को धकेल दिया बाहर, 19 के लिए किया है, किसी और चीज़ के लिए नहीं किया है। मोदी जी और अमित शाह जी ये चाहते हैं हर कीमत पर कामयाबी पाएंगे, लेकिन राहुल गांधी का यूनिलेटरलिज्म आ गया है, अपोजिशन उठ खड़ी हुई है। मुझे नहीं लगता है कि नेशनल अपोजिशन के जमा होने से राहुल गांधी के साथ अब मोदी जी का वो दम रहेगा 19 के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान की शक्ति जो है उस पर मुझे भरोसा है। उन्होंने इंदिरा जी को निकाला इमरजेंसी के लिए 3 बरस, उसके बाद फिर वापस लाया।